हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। व्यूअर्स, आज एक एग्जाम का चार्जर आया है एक मैकेनिक भाई के पास से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम थी इसका मॉसफेट शॉर्टिंग था। ठीक है, तो हमने देखा इसका मॉसफेट शॉर्टिंग था, तो हमने मॉसफेट लगाया। लगाने के बाद क्या हुआ, ये 5 मिनट चलने के बाद मॉसफेट को शॉर्टकट दे रही थी। मैं चाहती हूँ, देखिए प्रॉब्लम जो कुछ भी हो, प्रॉब्लम को पकड़ने में हमारा 2 मॉसफेट खराब हो गई है। वो क्या करे, हमारे खुद के ही पॉकेट से हो जाएगी। तो देख इसमें फॉल्ट क्या थी। तो हमने मॉसफेट लगाया, लगाने के बाद यहाँ पर ये चार्जिंग ऑन नहीं हो रही थी। तो हमने आईसी की सेंसिंग वाले पिन को काट दिया, 25-35 आईसी को, तो ये ऑन हो गई। ऑन होने के बाद इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, डायरेक्ट एम्पियर उठ रही थी। पहले बार नहीं हो रही थी, अभी दूसरा बार मॉसफेट लगाने के बाद डायरेक्ट एम्पियर ले रही थी। तो देखिए ये वाला जो LM324 आईसी है, ये आईसी इसका ख़राब थी, वो मैकेनिक भाई ने चेंज किया था। तो चेंज किया था तो ठीक है, लेकिन इसका जो प्रिंट होती है वो उखड़ गई थी। ये जो प्रिंट होती है, ये वाले, ये प्रिंट उखड़ गई थी। ठीक है, ये प्रिंट उखड़ने के लिए तो उसने क्या किया, इस साइड में ये जो पिन है, ये जो 1K का रेजिस्टेंस है, इसका संग जोड़ दिए थे, और उसका बगल में जो है वो इस प्रिंट में जोड़ दिए थे। इसके कारण ऐसी हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रही थी। हमने ये आईसी चेंज किया, करने के बाद देखा जो यहाँ पर प्रिंट है, वो प्रिंट पूरा टूट चुके थे, और उसने इस आईसी का कनेक्शन भी गलत कर रखी थी। तो हमने इसका सही से कनेक्शन किया आईसी का, वायर वायर जोड़ के, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, और एम्पियर भी धीरे धीरे उठ रही है। इसको विजुअली देखना बहुत ज़रूरी रहती है। आपके पास कोई मैकेनिक भाई, आपके पास कोई मैकेनिक से कोई चार्जर आएगा, तो उसको पहले अच्छी तरह से देखो। हमने पहले अच्छी तरह से देख लिया होता तो हमारा 2 मॉसफेट पॉकेट से नहीं चले जाती। ठीक है, तो मैं अभी आपको चार्जर को चालू करके दिखा रही हूँ। ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रही है। ठीक है, ये हमारा एम्पियर कम करने के लिए लगाया है। ठीक है, ये वाला देखिए, हमारा बल्ब भी लोड ले लिया है, तो हम अभी आपको डायरेक्ट में देकर दिखाएंगे क्या है? असल में काम कर रही है कि नहीं। डायरेक्ट में दे दिया, अब देखिए इसके एम्पियर कितना धीमे धीमे ऊपर उठ रही है। पहले एक बार में उठ रही थी, अब देखिए देख सकते। मेरा बैटरी फिलहाल फुल चार्ज है, इसीलिए पूरा एम्पियर नहीं दे रही है। ठीक है, बैटरी चार्ज नहीं रहती तो पूरा एम्पियर दे देगी।